भागलपुर में हुए दर्दनाक ब्लास्ट की घटना के बाद भागलपुर पुलिस अब अलर्ट मोड में आ गई है। ऐसी घटना भविष्य में फिर कभी घटित ना हो, इसके लिए पटाखे के अवैध निर्माण, भंडारण और अवैध कारोबार के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सिटी DSP प्रकाश कुमार और हबीबपुर थानेदार कृपा सागर के नेतृत्व में कथित विशेष पुलिस टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में पटाखा बरामद किया है। इस संबंध में सिटी SP सवर्ण प्रभात ने बताया कि हबीबपुर थाना क्षेत्र में बाईपास के नजदीक सरदारपुर में गौशाला की जमीन पर अवस्थित एक ट्रांसपोर्ट के दोनों गोदामों में अवैध रूप से पटाखा भंडारण किए गए करीब 1800 कार्टून पटाखा को बरामद किया गया है। सिटी SP ने कहा कि दोपहर में लगभग 12 बजे मां अन्नपूर्णा ट्रांसपोर्ट एजेंसी के उक्त दोनों गोदामों में पटाखा के अवैध भंडारण की गोपनीय जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि ये गोदाम राजस्थान के रहने वाले पवन रजगरिया का है, वही उसका कार्यालय कलकत्ता में है। सिटी SP की माने तो तमिलनाडु के शिवकाशी से यह पटाखा मंगवाया गया था और प्रत्येक महीना 7-8 ट्रक पटाखा यहाँ मंगवाया जाता है। वही पिछले दो दिनों से पटाखे के विभिन्न स्थानों पर भेजा भी जा रहा था। इस पूरे कारोबार में चुनिहारी टोला के निवासी प्रदीप मंडाविया और विकास मंडाविया मुख्य रूप से संलिप्त थे। सिटी SP ने कहा कि अवैध पटाखा के कारोबार करने के आरोप में कोतवाली थाना क्षेत्र के वैरायटी चौक के पास विकास स्टोर और प्रदीप स्टोर को चिन्हित किया गया है। सिटी SP ने बताया कि इस ट्रांसपोर्ट का संचालन पटना के विनय सिंह और राजस्थान के महेंद्र सिंह के द्वारा किया जा रहा है। वही पुलिस द्वारा तुलसी ब्रांड के रॉकेट और बम, शिवकाशी का मुर्गा छाप क्रिकेट्स, तुलसी छाप मुर्गा छाप और शिवकाशी के राज फायर वर्कर्स का पटाखा बरामद किया गया है। संवाददाता श्याम नंदन सिंह, भागलपुर। मोबाइल को जो भी सर, करीब 12 बजे आज सुबह सूचना मिली थी कि बाईपास के किनारे एक गोदाम में काफ़ी मात्रा में पटाखा, अवैध पटाखा रखा हुआ है और पिछले 3 दिनों से पटाखे के जितने भी कार्टून से उसको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। तत्काल सूचना प्राप्त होते ही SDPO सिटी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और थाना अध्यक्ष हबीबपुर और तकनीकी शाखा के भी कुछ पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे और ये छापेमारी के क्रम में करीब 2 गोदाम जिसमें पटाखा ही भरा हुआ है बरामद किया गया है। अभी तक गिनती जारी है, करीब 1800 पटाखा का कार्टून अभी तक हम लोग गिनती कर चुके हैं और भी गिनती की जा रही है। और अभी तक का जो अनुसंधान हुआ है उसके क्रम में पता चला है कि ये पटाखे तमिलनाडु के शिवकाशी नामक एक जगह है, वहाँ से लाया गया है अलग से, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम देखता है वो राजस्थान का रहने वाला है और इसका ऑफिस कोलकाता में है। ये हम लोग ये भी पता कर रहे हैं कि ये पटाखे शहर में कहाँ कहाँ सप्लाई किए जा रहे थे। 2-3 दुकानों को चिन्हित किया गया है, कुछ लोगों के नाम भी आए हैं और आगे इसकी छापेमारी की जा रही है। तो ये पटाखा सर अवैध है या वैध है? ये सारे पटाखे अवैध हैं बिकॉज हमारे यहाँ साल में सिर्फ 2 दिन ही पटाखा बेचने का लाइसेंस निर्गत किया जाता है दिवाली के समय। इसके अलावे जो भी पटाखा परचेज करना, ट्रांसपोर्ट करना और उसका सेल करना, उसके लिए लाइसेंस देना पड़ता है। यहाँ पर SDM साहब और CPO साहब में के दोनों के संयुक्त नेतृत्व में छापेमारी की गई है और सारे पटाखे सीज किए जा रहे हैं। ये है किनका सर कुछ? ये पटाखा जो 2-3 नाम आए हैं उसमें से प्रदीप मवंडिया हैं, विकास मवंडिया हैं जो चुनिहारी टोला के रहने वाले हैं, इनके दुकान भी हैं प्रदीप स्टोर एवं विकास स्टोर जो कोतवालियाँ वैरायटी चौक है वहाँ पे इनका दुकान है। परसों जो जब्त हुआ था पटाखा इन्हीं का था? इन्हीं का था। 2 दिन पहले भी एक टेम्पू अवैध पटाखा बरामद किया गया था जो इन्हीं का था। हमारा एक संदेश देना चाहें कि जहाँ भी अवैध पटाखा को मंगाया जा रहा है और शहर में सप्लाई किया जा रहा है, पुलिस हर जगह कार्रवाई करेगी, छापेमारी करेगी और आम जनमानस को भी इस तरह की अगर सूचना मिलती है पुलिस को तुरंत सूचित करें।